तो एयरटेल, जियो और वी तीनों ने ही अपने प्लान के प्राइस को बढ़ा दिया है। बट इन तीनों सिम में से अब कौन सी सिम बढ़िया है, तीनों के नए प्लान क्या हैं और कौन से का प्लान सस्ता है, कितना इन तीनों के अंदर डिफरेंस है और आपको किसके अंदर फायदा होने वाला है, कौन सी सिम में आपको अनलिमिटेड 5G मिलेगा, किस में आपको कम 5G मिलेगा या फिर इनके पोस्टपेड प्लान क्या हैं। इस वीडियो में हम तीनों सिम का कंपैरिजन करने वाले हैं, आप पता लगा पाओगे आपके लिए परफेक्ट और सस्ती सिम कौन सी है। सबसे पहले इन तीनों के प्लान का कंपैरिजन करेंगे, कौन सा इसमें सस्ता देखने को मिलेगा, उसके बाद जानेंगे किसमें 5G मिलेगा और इनके रूल्स क्या हैं। सबसे पहले जियो की बात करते हैं। 189 का फर्स्ट प्लान मिलेगा जिसमें 2GB मिलेगा, 249 का सेकंड प्लान जिसमें 1GB डे मिलेगा, 299 का प्लान जिसमें आपको 1.5GB डे मिलेगा, 349 का प्लान जिसमें 2GB डे मिलेगा, 399 का प्लान जिसमें 2.5GB डे मिलेगा और 449 का प्लान जिसमें आपको 3GB डे मिलेगा। ये थे जियो के मंथली प्लान। अभी जानते हैं एयरटेल के मंथली प्लान। 199 का प्लान जिसमें 2GB मिलने वाला है, 299 1GB डे, 349 1.5GB डे, 409 2.5GB डे और 449 3GB डे मिलेगा। अभी जानते हैं वी के मंथली प्लान और इनका कंपैरिजन। 199 2GB डेटा, 299 1GB डे, 349 1.5GB डे, 379 2GB डे। मंथली प्लान में तो कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला, बट जियो में थोड़े आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं। अभी जानते हैं दोनों के 2 मंथ प्लान के बारे में। सबसे पहले जानेंगे जियो के 2 मंथ प्लान के बारे में। 579 1.5GB डे, 629 2GB डे। एयरटेल में 579 1.5GB डे, 649 2GB डे। वी के अंदर 579 1.5GB डे, 649 2GB डे। सो 2 मंथ प्लान के अंदर आपको एयरटेल के थोड़े सस्ते देखने को मिलते हैं। अभी जानते हैं तीनों के 84 डेज प्लान के बारे में, यानी कि 3 मंथ के प्लान। सबसे पहले जानेंगे जियो के प्लान के बारे में। 479 टोटल 6GB, 799 1.5GB डे, 859 2GB डे, 1199 3GB डे। अभी जानते हैं एयरटेल के 3 मंथ प्लान के बारे में। 859 1.5GB डे, 979 2GB डे और वी में आपको 859 1.5GB डे और 979 2GB डे। सो 84 डेज प्लान के अंदर आपको एयरटेल और वी के सस्ते देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर एयरटेल थोड़ा आगे निकल जाता है, जियो के थोड़े से महंगे किए गए हैं। अभी जानते हैं तीनों के 1 ईयर प्लान के बारे में। जियो में 1899 336 डेज के लिए 24GB डेटा, 3599 365 डेज के लिए 2.5GB डे डेटा। एयरटेल में 3599 2GB डे डेटा 1 ईयर के लिए। वी में 3499 1.5GB डे डेटा 1 साल के लिए। सो 1 ईयर प्लान के अंदर जियो थोड़ा अच्छा देखने को मिलता है, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी आपको ज्यादा इंटरनेट जियो में ही मिलता है। जियो, एयरटेल और वी के अंदर आपको डेटा एड ऑन प्लान भी मिलते हैं, इनका भी कंपैरिजन करते हैं। जियो के अंदर 19 में 1GB, 29 में 2GB, 69 में 6GB, एयरटेल में 22 में 1GB, 33 में 2GB और 77 में 4GB, वी में 22 में 1GB, 48 में 6GB। डेटा एड ऑन में वी और जियो के ज्यादा अच्छे हैं। अभी जानते हैं तीनों के पोस्टपेड प्लान के बारे में जो इन्होंने लिस्ट के अंदर बताया है। जियो में 349 में 30GB, 449 में 75GB, एयरटेल में 449 में 40GB, 549 में 75GB, 699 में 105GB, 1199 में 190GB प्लस, वी में 401 में 50GB, 551 में 90GB, फैमिली पैक 701 में 70GB से ज्यादा और फैमिली 1201 में 140GB से भी ज्यादा। ये जो पोस्टपेड के प्लान है ये सिर्फ सिंपल प्लान नहीं है, इनमें और भी काफी सारी चीजें आती हैं, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। बट आप इन प्रीपेड प्लान्स को देख सकते हैं, इनकी जो पोस्टपेड वीडियो है ये भी मैं काफी जल्दी डाल दूंगा, क्योंकि इनमें पूरा डिटेल में कंपैरिजन करने वाला हूं। जो भी इनके प्रीपेड प्लान है आप इनका कंपैरिजन देख सकते हैं। इन सभी में आपको एयरटेल के थोड़े सस्ते मिलते हैं और वहां पर आपको 5G भी मिलता है, बट जो आपको जियो है ये थोड़े से महंगे है, बट आपको इंटरनेट भी ज्यादा मिलता है। बट इन सभी के अब रूल्स भी हैं, किसमें 5G मिलेगा और किसमें नहीं मिलेगा। अभी जानते हैं इन सभी के रूल्स के बारे में। फर्स्ट है 5G, इन तीनों के अंदर आपको 5G नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको जियो और एयरटेल के अंदर फिलहाल देखने को मिल रहा है। वी के अंदर फिलहाल 5G नहीं आया है, बट कुछ समय के बाद शायद आ जाएगा, बट इसके चांस कम है। बट फिलहाल आपको जियो और एयरटेल के साथ देखने को मिलेगा, आपको सारे प्लान में 5G मिलेगा, बट आपको लिमिटेड मिलेगा या अनलिमिटेड मिलेगा ये हम नेक्स्ट रूल में जानने वाले हैं। सेकंड, अनलिमिटेड 5G डेटा। जो अनलिमिटेड 5G डेटा है जियो और एयरटेल के अंदर, ये सिर्फ उन्हीं प्लान के अंदर मिलेगा जो भी प्लान 2GB पर डे या फिर इससे ऊपर के प्लान है। अदरवाइज जो बाकी के प्लान है उनमें आपको अनलिमिटेड 5G नहीं मिलेगा, उनमें आपको लिमिटेड ही 5G मिलेगा जितना उनके अंदर लिखा गया है। थर्ड डेट, जो जियो और एयरटेल है इनके प्लान 3 जुलाई से लागू हो जाएंगे, वी के प्लान 4 जुलाई से लागू हो जाएंगे। ये थे इन सभी के रूल, बट एक और चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये जितने भी प्लान है ये सिर्फ इनके पॉपुलर प्लान है, इनके अलावा और भी काफी सारे प्लान है जो कि 3 जुलाई को आपको पता चल जाएगी, उनके ऊपर मैं पूरी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। उसके साथ ही BSNL के ऊपर भी काफी सारे लोग जाते हैं, तो इनका भी मैं कंपैरिजन कर दूंगा। 3 जुलाई को आपको इनसे भी ज्यादा प्लान देखने को मिलेंगे, ये सिर्फ वही प्लान लिस्ट के अंदर है जो भी पॉपुलर है ज्यादा। सो अगर आपको 5G चाहिए तो आपको जियो और एयरटेल के साथ जाना चाहिए, बट अगर आपको थोड़ा ज्यादा 5G चाहिए तो आपको जियो के साथ जा सकते हैं।
बट आपको 5G भी चाहिए और थोड़ा सस्ता भी चाहिए तो आप एयरटेल के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज ये तीनों ही काफी ठीक देखने को मिलते हैं। अगर हम इनके नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा हो सकता है कि आपके एरिया के अंदर वी का नेटवर्क हो, जियो एयरटेल का ना हो, या फिर जियो का हो या एयरटेल या वी का ना हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको देखना है आपके एरिया के अंदर कौन सा ज्यादा नेटवर्क आता है। सो ये थे तीनों के प्लान का कंपेरिजन। बाकी कमेंट में बताना आपके पास कौन सी सिम है या फिर आपको क्या लगा इन तीनों में से कौन सा बढ़िया है। कमेंट कर देना, फॉलो कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।